देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप जवाहरलाल यूनिवर्सिटी इन दिनों सियासत का अखाड़ा बनी हुई है। फीस बढ़ोतरी को लेकर यूनिवर्सिटी में पिछले 3 महीने से आंदोलन चल रहा है। छात्रों का यह आंदोलन हिंसा तक पहुंच चुका है। छात्रों के आंदोलन को देश भर से समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन आज हम आपको जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की एक और सच्चाई बताने जा रहे हैं। क्यों जेएनयू में फीस बढ़ाने की जरूरत पड़ी है? आप जानते नहीं होंगे कि जेएनयू को देश की सबसे महंगी जमीन पर बसाया गया है। जेएनयू का कैंपस साउथ दिल्ली के पॉश इलाके में है और इसे 1019 एकड़ जमीन पर बसाया गया है। आज हमने इस इलाके की मौजूदा कीमतों के बाजार भाव का एक आकलन किया है। प्रॉपर्टी डीलर्स के मुताबिक इस इलाके में शैक्षणिक संस्थानों के लिए जमीन का दाम करीब 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। यानी इस हिसाब से जेएनयू जिस जमीन पर है उसकी कीमत हुई 10,000 करोड़ रुपए, जबकि इस इलाके में कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत है 100 करोड़ रुपए प्रति एकड़। कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट के हिसाब से जेएनयू की सिर्फ जमीन की कीमत 1,00,000 करोड़ रुपए हुई। इस वर्ष भारत का शिक्षा बजट सिर्फ 94,000 करोड़ रुपए है, यानी हमारे इस वर्ष के शिक्षा बजट का मूल्य भी जेएनयू की जमीन की कीमत से कम है। अब आप सोचिए कि देश की सबसे महंगी जमीन में से एक जेएनयू की जमीन कैसे सस्ती राजनीति, हिंसा और प्रदूषणों का केंद्र बन गई है। जिस इलाके में जेएनयू का कैंपस है वो वसंत कुंज का इलाका है और वसंत कुंज में 1500 स्क्वायर फीट के डीडीए फ्लैट की कीमत ही 1,85,00,000 से 2,90,00,000 रुपए के बीच है, जबकि वसंत बिहार में 110 मीटर के प्लॉट की कीमत 24 करोड़ रुपए है। आप अंदाजा लगाइए कि जेएनयू के छात्र कितनी महंगी जमीन पर पढ़ाई कर रहे हैं। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में शुमार अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का मुख्य कैंपस भी जेएनयू के मुकाबले कम क्षेत्र में बसा है। जेएनयू के 1019 एकड़ के मुकाबले प्रिंसटन यूनिवर्सिटी सिर्फ 600 एकड़ में बसी है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की जमीन की कीमत भी जेएनयू के मुकाबले कम है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाके में जमीन की कीमत 5 से 8 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है, जबकि जेएनयू जहां बसी है वहां जमीन की कीमत 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से 100 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक है। एक सर्वे के मुताबिक प्रिंसटन दुनिया में 7वें नंबर की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो जेएनयू का नंबर 601 से 800 के बीच है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जेएनयू के छात्र रहे हैं, लेकिन आज अपनी यूनिवर्सिटी की हालत देखकर वो भी दुखी है। जेएनयू में पढ़ाई करना आज भी देश की कई यूनिवर्सिटियों के मुकाबले बहुत सस्ता है। जेएनयू को केंद्र सरकार से 352 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी हासिल होती है। जेएनयू में पढ़ने वाले हर छात्र पर 4,35,000 रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाते हैं। दूसरे सरकारी संस्थानों के मुकाबले जेएनयू की फीस 20 गुना कम है। आईआईटी बॉम्बे में हॉस्टल की सालाना फीस 20,000 रुपए है, आईआईटी दिल्ली में 15,000 रुपए, जबकि जेएनयू के हॉस्टल की फीस बढ़ाने के बाद भी सिर्फ 3,600 रुपए थी। अब सवाल उठता है कि जब जेएनयू की फीस देश के बाकी शैक्षणिक संस्थानों से कम है, फिर भी छात्र क्यों आंदोलन कर रहे हैं? जब समय के साथ लोगों की सैलरी बढ़ रही है, रखरखाव का खर्च बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में जेएनयू की फीस बढ़ना क्या गलत है?